माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं देश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसी का एक सब टॉपिक है कृषि ऋण, यानी कि किसानों को दिए जाने वाले कर्जा। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो वर्ष 2012 में आखिरी पटवारी परीक्षा हुई थी, उस समय 3 पालियों में ये परीक्षा हुई थी और हर एक पाली में एक एक प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया था। तो इस वजह से टॉपिक आगे वाली इस बार की पटवारी परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। मुश्किल से 7 या 8 मिनट का ये टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको बाद में दोहराने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जल्द ही 23 या 22 नवंबर से अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपके फीडबैक चाहता हूं कि टेस्ट किस तरीके के होने चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट कैसे होने चाहिए, हाँ, और टॉपिक वाइज टेस्ट कैसे होने चाहिए और हमारे इस कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि ऋण। जो लोग ऋण नहीं जानते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, ऋण का मतलब होता है कर्जा या फिर लोन, ठीक है। दोस्तों, कृषि ऋण का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब है इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये अलग अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो जो 4 तरीके से हम वर्गीकरण आज पढ़ेंगे, वो 4 तरीके हैं। पहला है समय अनुसार, दूसरा है उपयोग के अनुसार, यानी जो ऋण लिया जा रहा है, जो कर्जा लिया जा रहा है, उसका उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा है जमानत के अनुसार, यानी जो ऋण लिया जा रहा है उसके लिए क्या जमानत दी जा रही है या फिर क्या चीज गिरवी रखी जा रही है। चौथा है ऋणदाता के अनुसार, यानी कि कौन ऋण दे रहा है, कौन कर्ज दे रहा है सामने वाले को, उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला है दोस्तों वर्गीकरण समय अनुसार, यानी कि समय अनुसार दोस्तों 3 हिस्सों में ऋण को बांटा गया है। समय अनुसार का मतलब ये है कि जो ऋण दिया गया है सामने वाले व्यक्ति को, वो कितने दिन में उस ऋण को चुकाने का वादा करता है, ठीक है। जैसे कि जो पहला हमारा इसमें सब हिस्सा है अल्पकालीन ऋण, दूसरा है मध्यकालीन ऋण और तीसरा है दीर्घकालीन ऋण। नाम से ही क्लियर है, ठीक है। अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए दिया जाने वाला कर्जा, यानी कि जब कर्जा जो ले रहा है वो वादा करता है कि मैं 15 माह से कम समय में दे दूंगा, तो उसको हम कहते हैं अल्पकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण ऐसा होता है जो 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के बीच में दिया जाता है, और दीर्घकालीन ऋण ऐसा होता है जो 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि में दिया जाता है। यानी कि जैसे लोग बाग होम लोन ले लेते हैं, घर के लिए लोन ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी किस्तें भरते रहते हैं आराम से 15-20 साल तक, तो वो दीर्घकालीन ऋण हो गया एक तरीके से। मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष के लिए है, ठीक है, और अल्पकालीन ऋण 15 माह। दोस्तों, ये तीनों में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इतना मालूम होना चाहिए कि इनकी ये जो अवधि है वो अपन को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार पटवारी परीक्षा में यही 3 प्रश्न आए थे, एक शिफ्ट में ये, दूसरी में ये, तीसरी में ये, इस तरीके से पूछा गया था। अगला है दोस्तों उपयोग के अनुसार, यानी जो हम ऋण ले रहे हैं उसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, किस चीज़ के लिए ऋण ले रहे हैं, उसके आधार पर कृषि ऋण को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण, दूसरा अप्रत्यक्ष उत्पादक ऋण और तीसरा अनुत्पादक ऋण। तो दोस्तों, जिनकी हिंदी अच्छी है वो तो नाम देख कर ही समझ गए होंगे सबका मतलब, लेकिन जिनको हिंदी में समस्या है वो देख लो और हिंदी पढ़ भी लो, क्योंकि 20 नंबर का पटवारी में हिंदी भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। उत्पादक यानी कि कोई चीज पैदा करे, ठीक है, ऋण तो पता ही है आप सभी को। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण यानी कि अगर हम जो कर्जा ले रहे हैं उसका उपयोग ऐसे काम में करें जिससे डायरेक्ट उत्पादन हमको दिखे, उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण। जैसे कि किसान ने बीज खरीदने के लिए ऋण लिया, तो बीज से फसल बनेगी और वो कुछ उत्पादन करके देगी, तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि बीज के लिए लिया गया ऋण प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण है। इसी तरीके से कोई सामान खरीदना है उसको जो खेती में यूज हो रहा हो, तो उसके लिए लिया गया ऋण प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं YouTube पर वीडियोस अपलोड करके अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मुझको एक कैमरा चाहिए, वो कैमरा चाहिए या फिर मुझको एक मोबाइल चाहिए। अभी तो मैं मोबाइल से ही बनाता हूँ, तो मुझे मोबाइल चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने जो ऋण लिया है मोबाइल के लिए, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण है। उससे साफ दिखाई दे रहा कि इन्होंने देखो इस मोबाइल से वीडियो बनाया और ये वीडियो चला और उससे इनको इनकम हुई। तो दोस्तों प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण ऐसा जो हमको डायरेक्ट दिखाई दे कि हाँ इस चीज़ के लिए जो ऋण लिया है और ये चीज़ आपको कुछ ना कुछ उत्पादन करके दे रही है, तो उसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण। दूसरा है अप्रत्यक्ष उत्पादक ऋण, यानी दोस्तों ये भी उत्पादक तो होता है, यानी ऐसी चीज के लिए खर्च कर रहे हैं ये ऋण भी जो उत्पादक तो है लेकिन इनडायरेक्ट है, दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कि शिक्षा के लिए ऋण, शिक्षा के लिए ऋण जब तक हम पढ़ रहे होते हैं तब तक तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब पढ़ाई खत्म होती है तब समझ में आता है, पूरी जिंदगी भर समझ में आता है कि जो शिक्षा के लिए ऋण लिया था, जो हमारी एजुकेशन हो गई है उससे हम कहाँ कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं, क्या क्या उत्पादन कर पा रहे हैं। तीसरा है अनुत्पादक ऋण, ऐसा ऋण जो कोई भी हमको लेना पड़ता है, मजबूरी बस लेना पड़ता है या फिर शौक शान की वजह से ले लेते हैं लोग, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फायदा है मतलब एक इमरजेंसी आई है उसके लिए आपको ऋण लेना पड़ता है, लेकिन वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, वो आपका डूब गया एक तरीके से ये मान लीजिए। इस वजह से क्या है, अनुत्पादक ऋण बहुत कठिनाई से मिलता है, प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण सरलता से मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा ऋण सबसे अधिक सबसे सरलता से मिलेगा, प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण, अप्रत्यक्ष उत्पादक ऋण या अनुत्पादक ऋण। तो दोस्तों एक तो ऋणदाता पर आधारित है कि ऋणदाता आपको ऋण देता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें सेम हैं तो प्रत्यक्ष उत्पादक ऋण बड़ा आसानी से मिलता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि मैं इसको इस चीज़ के लिए ऋण दे रहा हूँ, ये इस चीज़ से कमाई करेगा और मेरे को लौटा देगा। अप्रत्यक्ष उत्पादक ऋण पे जो ऋणदाता है उसका विवेक काम करेगा कि भाई इससे इसको कब फायदा होगा, बहुत दीर्घकाल में फायदा होगा अप्रत्यक्ष उत्पादक ऋण से, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अनुत्पादक ऋण मुश्किल से मिलेगा, आपके आस पड़ोस के लोग ही आपको दे सकते हैं या फिर आप कोई बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस कराए हैं तो आपको वहां से मतलब ऋण तो नहीं कहेंगे लेकिन एक अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि कोई भी एक टॉपिक दे दिया आपको, एक ऋण का प्रकार दे दिया, पूछ दिया इनमें से बताइए कौन सा। जैसे कि मान लीजिए खाद्यान्न के लिए लिया गया ऋण, खाद्यान्न यानी खाने पीने के सामान के लिए लिया गया ऋण, किसी के पास खाद्यान्न की कमी है और उसने ऋण लिया, वो इन तीनों में से किस में आएगा। तो दोस्तों बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अनुत्पादक ऋण लगा देंगे क्योंकि खा लिया ना हमने, उससे कुछ रिटर्न तो नहीं मिला, जबकि अगर देखा जाए कि हमने खाना खाया खाद्यान्न के लिए ऋण लिया तो उससे हमको रिटर्न में एक शक्ति मिली, पावर मिली जिससे हम और उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट उत्पादक ऋण यानी अप्रत्यक्ष उत्पादक ऋण में। तो ऐसे ही कोई भी ऋण का प्रकार आएगा तो उसको आपको सोच समझ कर इन तीन में से सही वाला लगाना है कि वो कौन से प्रकार का उत्पादन ऋण होगा। तीसरा है दोस्तों जमानत के अनुसार, जमानत के अनुसार चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है और ऋणदाता के अनुसार दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है व्यक्तिगत जमानत, दूसरा भूमि बंधक साख, तीसरा चल संपत्ति की जमानत पर ऋण, चौथा अतिरिक्त जमानत की साख पर ऋण। तो दोस्तों नाम से ही क्लियर है, व्यक्तिगत जमानत कोई भी कि हाँ चलो पर्सनल, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना इनकी मैं ले रहा हूँ भाई, मैं इनकी गारंटी ले रहा हूँ ये पैसे लौटा देंगे, तो वो होती है व्यक्तिगत जमानत। ठीक है, दूसरा है भूमि बंधक साख, यानी कि जमीन गिरवी रखकर आपने कर्जा लिया तो उसको कहेंगे भूमि बंधक साख। ठीक है, भूमि की क्रेडिट पे लिया आपने। तीसरा है चल संपत्ति की जमानत पर ऋण, जैसे बैलगाड़ी, फसलें, गोदाम में रखा अनाज, ये सारी चीज़ें कोई लगा कर और ऋण ले ले आपसे, कर्जा ले ले। मेरे मोहल्ले में बहुत से जुआरी हैं तो वो क्या है कि अपनी मोटरसाइकिल रख के लोगों से कर्जा ले लेते हैं कि भाई कल उठा ले जाएंगे, हम इतना एक दिन का ब्याज दे देंगे कल उठा ले जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो वो क्या चल संपत्ति की जमानत पर ऋण। ठीक है, कि चल संपत्ति जो है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं गए और आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तो आप चलो अपना मोबाइल रखा है कि चलो अभी ला के देता हूँ आपको, मोबाइल रख दिया ना गिरवी। ठीक है, तो वो आप उतने रुपए का ऋण ले आए उससे, एक तरीके से अपनी चल संपत्ति रख के। ठीक है, चल संपत्ति कोई भी अपनी रख दे तो उस पर जो ऋण मिलता है वो ये तीसरा है। अगला है अतिरिक्त जमानत की साख पर ऋण। ठीक है, अतिरिक्त जमानत क्या क्या होती है ये आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपकी हिस्सेदारी है कहीं पर किसी जमीन जायदाद वगैरह में,
बॉन्ड्स आपके पास जो हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी गोल्ड बॉन्ड आ रहे हैं या फिर और भी ज़मीन के बॉन्ड हैं बहुत सारे, बीमा की पॉलिसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इत्यादि को जमानत पर रखकर लिया गया ऋण जो है वो इस कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते जमानत के अनुसार, ये जो चार तरीके के होते हैं ये ज़्यादा नहीं बनते, यहाँ पर केवल चल संपत्ति को लेकर बन सकता है कि मान लीजिए कि गोदाम में रखे अनाज पर यदि आपने की जमानत पर आपने ऋण लिया है तो बताइए ये निम्न में से किस प्रकार की ऋण के अनुसार आता है कि नहीं। तो वहाँ पर अपन क्या है, वहाँ पर अपन को एकदम क्लियर दिमाग में नहीं जाता कि ये चल संपत्ति है। चल संपत्ति अपन को ऐसे ही लगता है जो चलती फिरती है या फिर जिसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं उसको अपन चल संपत्ति मान के चलते हैं, ठीक है, और एकदम अपने दिमाग में नहीं जाता इस तरीके का कुछ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने आखिरी प्रकार पर, आखिरी प्रकार है हमारा ऋणदाता के अनुसार, ठीक है। ऋणदाता के अनुसार ऋण दो तरीके का होता है, एक तो संस्थागत ऋण और दूसरा गैर संस्थागत ऋण। दोस्तों इसको बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे हाईवे इंडिया मैसेंजर के तपोभूमि ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, 18,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं जिनको रेगुलर स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, ठीक है दोस्तों। और गूगल प्ले स्टोर पर आप हाईवे इंडिया मैसेंजर डाउनलोड कीजिए, उसको अच्छी से अच्छी रेटिंग दीजिए क्योंकि वो आपके भाई का ही ऐप है। अगला है दोस्तों ये ऋणदाता के अनुसार दो तरीके का ऋण होता है, संस्थागत ऋण और गैर संस्थागत ऋण। संस्थागत यानी कि कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई संस्था है जैसे कि सरकार, सहकारी समिति, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव एजेंसी है, ठीक, अगर व्यावसायिक बैंक, भूमि विकास बैंक तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण। संस्था होनी चाहिए, वो संस्था चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वो अगर आपको ऋण देती है तो उसको हम कहेंगे संस्थागत ऋण, उसकी बाकायदा पूरी कानूनी तरीके से पढ़ा लिखी होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर कहीं पे गैर सरकारी संस्था द्वारा ऋण लिखा हो तो उसको संस्थागत, वो सोचते हैं अरे वो तो संस्थागत यानी कि सरकारी, तो ऐसा नहीं है कि संस्थागत सरकारी है, ये कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों को हो जाता है तो उसको आपको ध्यान रखना है। गैर संस्थागत ऋण यानी कि आपने कहीं से भी अपने गांव में या फिर यहीं पे अगल बगल में आड़तियों से ले लिया, जिनको आड़तिया बोलते हैं ना, ठीक है, या फिर किसी से भी ले लिया है तो उसको कहते हैं हम गैर संस्थागत ऋण, पर्सनल ऋण ले लिया किसी से, ठीक है, और संस्थागत इन सभी चीज़ों को। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, कृषि ऋण को चार हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, समय अनुसार, उपयोग के अनुसार, जमानत के अनुसार, ऋणदाता के अनुसार। दोस्तों ऋणदाता के अनुसार में एक छोटी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जमानत में भी एक छोटी सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों को आप जरूर कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए। तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, जय माता दी।